हेलो गाइस, स्टार जी हियर, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो फाइनली रियल क्रिकेट 21 गेम के बारे में काफी सारे क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है, जैसे कि रियल क्रिकेट 21 गेम का साइज कितना होगा, रियल क्रिकेट 21 गेम क्या 1GB 2GB रैम में चल पाएगा या नहीं, और रियल क्रिकेट 21 गेम कब रिलीज होगा, और रियल क्रिकेट 21 गेम का ऑफिशियल ट्रेलर कब निकल कर आएगा। तो काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों ने किया है जिसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो डेफिनेटली आप सभी दोस्तों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे रियल क्रिकेट के और भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने के लिए, सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर भी दबा के रखो। भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रियल क्रिकेट 21 गेम का जो साइज होने वाला है वो कितना हो सकता है, जैसा कि आप रियल क्रिकेट 20 को जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो इसका साइज निकल कर आता है लगभग 550 MB, यानी कि 550 MB का ये रियल क्रिकेट 20 का साइज है। तो इससे ज्यादा ही होने वाला है रियल क्रिकेट 21। तो रियल क्रिकेट 21 का जो साइज हो सकता है वो लगभग 700 MB प्लस इसका साइज निकल कर आ सकता है, क्योंकि ये अपडेट वर्जन होगा तो डेफिनेटली इसके अंदर नया कुछ ऐड तो जरूर होगा, तो इसलिए इसका साइज भी बढ़ने वाला है 750 MB या फिर 700 MB इसका साइज निकल कर आ सकता है। और ये जो गेम है ये 1GB 2GB रैम में तो चलेगा, लेकिन आपको लो सेटिंग में खेलना होगा। जैसा कि आप रियल क्रिकेट 20 को भी लो सेटिंग में खेल सकते हो, तो ऐसा ही रियल क्रिकेट 21 को भी आप खेल पाओगे लो सेटिंग में। तो आप हाई सेटिंग में खेलने के लिए आपको लगभग 4GB रैम डिवाइसेस चाहिए, ताकि आप अल्ट्रा ग्राफिक्स या फिर हाई ग्राफिक्स में रियल क्रिकेट 21 गेम को खेल सको। और गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस साल के रियल क्रिकेट 21 आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नॉटलेस मोबाइल अकेला नहीं और एक कंपनी जुड़ चुका है जिसका नाम है जेट सेंसर्स, और रियल क्रिकेट के कंपनी नॉटलेस दोनों मिलकर रियल क्रिकेट 21 बनाएगा, क्योंकि नॉटलेस मोबाइल को खरीद लिया है जेट सेंसर्स कंपनी जो सचिन सगा गेम को बनाया है, उन्हीं कंपनी ने रियल क्रिकेट के कंपनी जो है नॉटलेस मोबाइल उनको खरीद लिया है। तो अभी दो कंपनी हो चुका है और दो कंपनी मिलकर अगर कोई भी काम करेगा तो आसानी होगा, नया नया फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि WCC3 के अंदर जो काम हुआ है वो भी दो कंपनी मिलकर किया है। तो ऐसा ही रियल क्रिकेट 21 को भी बनाएगा दो कंपनी मिलकर, तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि दो कंपनी मिलकर अगर काम करेगा तो गेम के अंदर नया नया फीचर्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और रियल क्रिकेट 21 का जो रिलीज डेट निकल कर आ सकता है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री है, जो हर टाइम वो गेम को रिलीज करता है नया अपडेट वर्जन, वो है मार्च अप्रैल महीने में आपको डेफिनेटली रियल क्रिकेट 21 भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हर साल वो कंपनी नया अपडेट देता है आप सभी को, और इस नया अपडेट में काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलता है। तो मार्च अप्रैल में आपको रियल क्रिकेट 21 देखने को मिलेगा, और इसका जो ट्रेलर हो सकता है यानी कि ऑफिशियल ट्रेलर कब आएगा, तो ऑफिशियल ट्रेलर आ सकता है जनवरी मंथ पर या फिर दिसंबर के लास्ट में आपको ये गेम का ऑफिशियल ट्रेलर भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि कंपनी हर साल हर गेम को लॉन्च करने से 2-1.5 महीने पहले ही गेम का ऑफिशियल ट्रेलर निकल कर आपके लिए लेकर आता है और आप लोग देख के भी एक्साइटेड हो जाते हो, तो ऐसा ही हो सकता है। तो ये सारे लेटेस्ट आप लोगों के मन में क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया है। होप गाइस आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन है रियल क्रिकेट 21 के रिलेटेड, तो अभी मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो मैं आपको डेफिनेटली अगले वीडियो बना के उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के ऊपर दबा के रखो और शेयर करो। मिलता आपके साथ कोई ऐसे धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।